अरे यार गेम चलने रहा, तोड़ दूंगा पीसी को, तोड़ दूंगा ढाई। कोई गेम नहीं चलता मेरे लोन पीसी में यार, कोई तो वीडियो बता दो। क्या भी फेस करें कुछ इस तरह का प्रॉब्लम अपने पोटैटो पीसी के साथ, आपका भाई आपके साथ है तो भैया घबराने की क्या बात है। तो वेल गाइस, यहां पर मैं आप लोगों के लिए 11 गेम्स लेके आया हूं आपके पोटैटो पीसी के लिए। चाहे आपके पीसी पे 1 GB रैम हो, 2 GB रैम हो और ग्राफिक कार्ड के नाम पे घंटा कुछ भी ना हो, तो भी ये गेम्स आपके पीसी या लैपटॉप पे मक्खन जैसे चलने वाले हैं। एंड वेल गाइस, इन सभी गेम्स का ग्राफिक्स क्वालिटी बहुत ही रियलिस्टिक। टाइम वेस्ट की वीडियो को करते हैं। फर्स्ट गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है टर्मिनेटर सैल्वेशन। एक थर्ड पर्सन शूटर गेम है जो 2009 में रिलीज हुआ था। ये गेम फेमस मूवी सीरीज टर्मिनेटर पर बेस है। एंड इस गेम में आपको एक सेटिंग पोस्ट अपोकैलिप्टिक वर्ल्ड देखने को मिल जाता है, जहां पर मशीन दुनिया के ऊपर कंट्रोल कर रही होती हो और ह्यूमन सफाया कर रही होती है। एंड यहाँ पर ह्यूमन बस्ते बचाते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो मेन कैरेक्टर जॉन कॉनर का रोल प्ले करते हो, जो कि यार मशीन्स के अगेंस्ट फाइट करता है, जो रेजिस्टेंस का एक लीडर होता है। मशीन्स टोटली ही कंट्रोल कर चुके हैं ह्यूमंस के ऊपर, तो यहाँ पर जो कुछ लोग बचे हुए हैं मशीन्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं अर्थ को बचाने के लिए। तो काफी इंटरेस्टिंग मिशंस यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले। इनका जो एनवायरनमेंट है फ्यूचरिस्टिक के साथ टोटली ओपन वर्ल्ड यहाँ पर आपको एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफी अच्छा ग्राफिक्स क्वालिटी इस गेम में आपको देखने को मिल जाता है। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें, इंटेल पेंटियम 4 में गेम आराम से चल जाएगा। कोई मन कर रहा है चलो ऑटोबोट को पीटा पार्टी कर लिया जाए, तो कूद फंद के जाओ एंड इस गेम को प्ले करो। तो वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे सेकंड गेम के ऊपर। तो वेल गाइस, मेरा सेकंड गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है मेडल ऑफ ऑनर वॉर फाइटर। शूटर ओपन वर्ल्ड गेम है जो कि 2012 में रिलीज हुआ था। और ये गेम मेडल ऑफ ऑनर सीरीज का एक पार्ट है। की स्टोरी स्टार्ट होती है एक वन ऑपरेटिव के आसपास घूमती है, जो दुनिया के अलग अलग डेंजरस मिशन पे जाता है, हॉस्टेस को रेस्क्यू करना, टेररिज्म अटैक और भी अदर मिलिट्री ऑपरेशन। गेम फोर्सपाई 2 इंजन पे बना है, जो कि हाईली रियलिस्टिक ग्राफिक और एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है आपको इस गेम पे। 10 डिफरेंट कंट्रीज, आप अपने कंट्री के स्पेशल फोर्स को चूज करके दुनिया के प्लेयर्स के अगेंस्ट कम्पीट कर सकते हो। गेम में आप वेपन और गियर को कस्टमाइज करने का ऑप्शन भी है, जिसमें आप अपने टीम और वेपन अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल कोर 2 में गेम आराम से चल जाएगा। तो अभी तक आपने इस गेम को प्ले नहीं किया तो भाई कर क्या रहे हो, तुम जिंदगी का मजा नहीं ले रहे हो, तो कूद फांद के जाओ इस गेम को प्ले करो। तो वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे थर्ड गेम के ऊपर। जो मेरा थर्ड गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है किंग एंड लंच डेड मैन। थर्ड पर्सन ओपन वर्ल्ड गेम है। हमें ग्रिटी और मैच्योर स्टोरी लाइन मिलता है। जो गेम प्ले एंड स्टोरी लाइन है, इसका जो कॉम्बिनेशन गेम को यूनिक बनाता है। एक एक्शन पैक गेम है जो हमें एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। दो कैरेक्टर है, एक का नाम केन है, एक का नाम लुइंच, और उनके बीच एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। ये गेम हमें उनके जर्नी और सर्वाइवल की स्टोरी बताता है, जो स्टोरी को और भी एंगेजिंग बनाती है। गेम अपने मैच्योर और डार्क स्टोरी के लिए काफी फेमस है। स्टोरी में वायलेंस, क्राइम एंड इमोशनल डीपली काफी हैवी है, जो कि इस गेम को टिपिकल एक्शन गेम से अलग बनाती है। इनको अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप खेल सकते हो, मतलब मल्टीप्लेयर का भी ऑप्शन इस गेम में आपको देखने को मिल जाता है। गेम के जो मिशन से दोस्तों, वो बैंक रॉबरी ऑफ हिस्ट्री बेस्ड एक हॉलीवुड क्राइम थ्रिलिंग मूवी का एहसास होता है। एनवायरनमेंट वो काफी रियलिस्टिक है और हमें डिफरेंट लोकेशन को एक्सप्लोर करने का यहाँ पर मौका मिलता है। एनवायरनमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो कोई नीड नहीं है। एंड वेल गाइस, प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल पेंटियम 4 में गेम आराम से चल जाएगा। तो अभी तक आपने इस गेम को प्ले नहीं किया तो भाई किस लिए रुके हो, कूद फंद के जाओ एंड इस गेम को प्ले करो। तो वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे फोर्थ गेम के ऊपर। फोर्थ गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है टर्निंग पॉइंट फॉल ऑफ लिबर्टी। फर्स्ट पर्सन शूटर ओपन वर्ल्ड गेम है। अल्टरनेट हिस्ट्री पर बेस, नाजी जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 जीत जाता है और अमेरिका पर इन्वेट कर देता है। इनकी स्टोरी स्टार्ट होती है 1953 में। इसमें आप एक ऑर्डिनरी कंस्ट्रक्शन वर्कर है, डैनी कार्सन का एक रोल प्ले करते हो, जो अचानक नाजी इन्वेंशन के बीच में फंस जाता है। यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस को ज्वाइन करके नाजी फोर्स से लड़ना पड़ता है। जब आप मिशन को कम्प्लीट करोगे तो काफी यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग मिशन देखने को मिलेंगे। इनकी सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो कोई नीड नहीं है। प्रोसेसर की बात करें डुअल कोर में गेम आराम चल जाएगा। तो अगर आपका मन कर रहा है वर्ल्ड वॉर में कूद फंद जाए तो जल्दी से जाके इस गेम को प्ले करो। तो वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ गेम के ऊपर। फिफ्थ गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है कॉल ऑफ जोरिस गन स्लिंगर। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्शन पैक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है। ये गेम 2013 में हुआ था। थीम जो है दोस्तों वो वाइल्ड वेस्टर्न पर बेस्ड है। फोकस है दोस्तों एक बाउंटी हंटर की कहानी पर है, जिसका नाम साइलेस ग्रीस रहता है। एंड गेम की बात करें तो गेम में हमें बाउंटी हंटर का रोल प्ले करना हो, अपनी कहानी अपने ही स्टाइल में सुनाता है। हमें काफी सारे फेमस वाइल्ड वेस्टर्न लेजेंड्स मिलते हैं, जैसे कि बिली,
किट जैसी जैम फाइट करने का मौका मिलता है। किसी ऐसे दोस्त को RDR 2 खेलते हुए देखा होगा अपने अच्छे वाले पीसी पे, तो भैया ये हमारे लो एंड पीसी के लिए RDR 2 है। अपोनेंट एनिमी को राइफल्स एंड शॉटगन्स के थ्रू अपने एनिमी को टेक डाउन करना होता है। जो स्टोरी है वो आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। मिशंस की बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग मिशंस यहां पर आपको देखने को मिल जाती है। बल्कि सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल कोर ड्यूओ में गेम रैम चल जाएगा। वेल गाइस अगर आपको भी थोड़ा फाइटर वेटी करना है वेस्टर्न स्टाइल में तो भाई कूद फंद के जाओ एंड इस गेम को प्ले करो। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 6th गेम के ऊपर। बल्कि जो हमारा 6th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है बैटल लॉस एंजेलिस। की बात करें तो एक एक्शन पैक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है। 2011 का एक हॉलीवुड मूवी बैटल लॉस एंजेलिस पे बेस्ड है। गेम का जो मेन फोकस है जो कि लॉस एंजेलिस पे एलियंस हमला कर देते हैं। यहाँ पर आपको जो अपने सिटी को है प्रोटेक्ट करना पड़ता है। गेम में आप एक मरीन कमांडो का किरदार निभाते हो जहाँ पर आपको अपने स्क्वाड को गाइड करना पड़ता है एंड उनके साथ मिलके यहाँ पर आपको एलियन को खत्म करना पड़ता है। वाइल कंप्लीटिंग मिशन दोस्तों यहाँ पर आपको काफी इंटेंस कॉम्बैट सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। इनका जो एनवायरमेंट है मोस्टली वो अर्बन सिटी में होता है जहाँ पर आपको एक रियलिस्टिक बैटलफील्ड एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। एंड वाइल कंप्लीटिंग मिशन दोस्तों यहाँ पर आपको जो इंप्रेसिव एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा उसका क्या कहना। लेकिन इस गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 7th गेम के ऊपर। वेल गाइस जो हमारा 7th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है एल मैटाडोर। की बात करें थर्ड पर्सन शूटिंग ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है। ये गेम 2006 का काफी पॉपुलर गेम है। बल्कि स्टोरी लाइन की बात करें पर आप एक डीए एजेंट का किरदार निभाते हो जिसका नाम विक्टर कॉम्पैक्ट रहता है। आपको एक यहाँ पर साउथ अमेरिका भेजा जाता है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन चलाते हैं अगेंस्ट टू ड्रग कार्टल्स, क्योंकि यहाँ पर आपको इस चीज को वहां पर टोटली आपको यहाँ पर खत्म करना पड़ता है। विलन काफी इंटेंस एंड थ्रिलिंग है जैसे कि आप एक एक्शन मूवी का प्रोटैगनिस्ट हो। गेम में आपको स्लो मोशन एक्शन सीन्स भी देखने को मिलते हैं जैसे कि बुलेट टाइम। फीचर्स आपको एक बिंदास फीलिंग देता है जब आप अपने दुश्मनों को टेक डाउन करते हैं। इस गेम में आपको डिफरेंट लोकेशन को एक्सप्लोर करना रहता है जैसे कि जंगल सिटीज एंड ड्रग्स लैब। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 1GB। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो कोई नीड नहीं है। एंड बल्कि प्रोसेसर की बात करें तो डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 8th गेम के ऊपर। जो हमारा 8th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम फ्रंट लाइन फ्यूल ऑफ वॉर। बात करें तो ये गेम 2008 में रिलीज हुआ था। इसमें फ्यूचर वॉर का कंसेप्ट एक्सप्लोर किया गया है जो कि आज हम फेस कर रहे हैं। गेम की कहानी शुरू होती है 2024 में। यार आप बोलोगे यार 2024 में, भाई कहीं ना कहीं ये गेम आपको वो चीज रियलिटी शो करता है जब दुनिया एनर्जी सोर्स के लिए फाइट कर रही है। वेस्टर्न कोरोलेशन और रेड स्टार एलियंस दोनों मेजर पावर के बीच में वॉर चालू होता है। आप एक सोल्जर का किरदार निभाते हो जो कि फ्रंट लाइन पे लगा रहता है एंड काफी सारी मुश्किलों का सामना करता है। गेम में आपको अलग अलग मिशंस कंप्लीट करने पड़ते हैं कि आपको एनिमी फोर्स को हराना पड़ता है, उन्हें डिफीट करना रहता है एंड उनके ऑब्जेक्ट को कैप्चर करना पड़ता है। एंड सबसे बड़ी बात आपको अपनी टीम को सपोर्ट करके आगे वॉर को जिताना रहता है। गेम टोटली ओपन वर्ल्ड है। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो 1GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो कोई नीड नहीं है। प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल कोर ड्यूओ में गेम आराम चल जाएगा। अगर आप भी चाहते थोड़ा वॉर शोर कर लिया जाए और टैंक उंग चला लिया जाए तो कूद फान के जाओ एंड इसको प्ले करो। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 9th गेम के ऊपर। तो वेल गाइस जो हमारा 9th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है स्टार्स की एंड हच। ये गेम बेस्ड है 90s के फेमस टीवी शो स्की एंड हच के ऊपर। आपको हाई स्पीड कार चेस और थ्रिलिंग एक्शन पसंद है तो ये गेम आपके लिए परफेक्ट है। स्टार्स की एंड हच की टीम बनाकर क्राइम को रोकते हैं, सिटी को सेफ बनाते हैं। ये एक एक्शन पैक ड्राइविंग गेम है जिसमें कि आपको काफी सारे इंटरेस्टिंग मिशंस कंप्लीट करने होते हैं व्हाइल ड्राइविंग थ्रू द सिटी। को अपने पार्टनर्स को कैच करना होता है। गेम में आपको अलग-अलग एपिसोड देखने को मिलते हैं। हर एक एपिसोड अपने में एक यूनिक मिशन के साथ आता है। गेम आपको रेट्रो एक्शन एडवेंचर का मजा देता है जो आपको 70s की दुनिया में जाएगा। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 1GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो कोई भी पुराने से पुराने प्रोसेसर में गेम चल जाएगा। तो अगर आपका मन कर रहा है चलो यार थोड़ा क्राइम को रोक लिया जाए तो भैया किस ले रुके हो, कूद फान के जाओ और इस गेम को प्ले करो। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 10th गेम के ऊपर। जो हमारा 10th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है अवतार। तो 2009 में इस गेम को रिलीज किया गया था। तो जेम्स कैमरन की आइकॉनिक मूवी अवतार के ऊपर ये गेम बेस्ड है। ये गेम पेंडोरा की दुनिया को एक्ट करने का एक मौका देता है वर्ल्ड जो हम मूवी पे देखते हैं। इस गेम में आपको यूनिक मिशन देखने को मिलते हैं जो कि आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। गेम टोटली ओपन वर्ल्ड है जो आपको
रिक्वायरमेंट देखने को मिलता है भैया वो काफी मजेदार है। ग्राफिक क्वालिटी की बात करें तो काफी अच्छा गेम ग्राफिक क्वालिटी आपको देखने को मिल जाता है। ये मल्टीप्लेयर भी है तो अपने प्यारे रसगुल्ले दोस्तों के साथ इस गेम को मल्टीप्लेयर भी प्ले कर सकते हो। मैं कुछ ज्यादा नहीं बचाऊंगा क्योंकि अवतार गेम काफी पॉपुलर है एंड अभी तक आपने इस गेम को प्ले नहीं किया तो भाई तुम क्या कर रहे हो, जिंदगी नहीं जी रहे। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 एमबी नीड है एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो डुअल कोर में गेम आराम चल जाएगा। वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 11th गेम के ऊपर। 11th गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है कैप्टन बोन्स प्रोलॉग। वेल गाइस कैप्टन बोन्स प्रोलॉग्स की बात करें तो एक एडवेंचर गेम है जहां पर आप एक पायरेट के रूप में खेलते हो। इस गेम में आपको एक पायरेट की जिंदगी जीनी रहती है, आपको अपने शिप को कंट्रोल करना हो, ट्रेजर ढूंढना होता है, अपने एनिमीज का सामना करना पड़ता है। तो ये गेम टोटल ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। इस गेम में आपको टोटली फ्रीडम होता है कि आप नई नई चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो और पूरा एडवेंचर का मजा ले सकते हो। इस गेम में आपको यार सर्वाइव करने के रिसोर्सेस कलेक्ट करना होता है जैसे कि वुड, फूड और वेपन्स। ये रिसोर्सेस आप अपने शिप और वेपन्स को अपग्रेड करने में यूज कर सकते हो। इस गेम में जब आप मिशंस कंप्लीट करोगे तो भैया इस गेम में आपको काफी चैलेंजिंग मिशंस देखने को मिल जाते हैं जैसे कि आपके शिप पे दूसरे पायरेट अटैक करते हैं, इससे बचाते भैया आपको शिप को बचाना रहता है एंड आगे के मिशंस को कंप्लीट करना रहता है। गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफी अच्छा ग्राफिक्स क्वालिटी इस गेम में आपको देखने को मिल जाता है। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 3 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 एमबी नीड है एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें i3 में गेम आराम चल जाएगा। तो वेल गाइस अगर आप भी एक पायरेट की जिंदगी जीना चाहते हैं तो गूथ फन के जवान इस गेम को प्ले करो। यही कुछ 11 गेम थे आपके लो एंड पीसी लैपटॉप के लिए। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो पसंद आया होगा एंड भाई वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो एंड अपने प्यारे रसगुल्ले दोस्तों जरूर शेयर करना कि भाई वो भी ये सब गेम खेल पाए। मैं मिलता हूं एक और नए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। रिक्वेस्ट आपसे है कि हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे उसे जाके ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए बाय बाय।